हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दीपावली, तो सबसे पहले मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अभी बस मतलब मैं जस्ट रेडी हो रखा हूँ नहा धो के। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, सुबह सुबह लेट उठा। तो हमें बनानी है लक्ष्मी माता। तो मेरे को अभी तक इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बनाऊँगा। देखता हूँ बन पाती है नहीं बन पाती। किरण और मैं मिलकर बनाएंगे, और भी जो छोटे मोटे काम है वो भी मैं आप ही दिखाऊंगा। और बस आप आज के ब्लॉग में बने रहना एंड तक। होप करता हूँ आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगेगा। तो गाइस, लक्ष्मी जी को बनाने के लिए जो जो एसेसरीज चाहिए वो आपको मैं एक बार दिखा सकता हूँ। जैसे कि एक गन्ना चाहिए, गन्ने का डंडा मतलब, और ये थोड़ा ज्वेलरीज हैं, और पीन भी चाहिए, और थोड़ा ये माता जी के कपड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बनता है। तेरा पैर दर्द सा, ठीक है? जितना अब मैंने जो काटा, तेरा देखो हाथ मैं यहाँ तक, सा हमारी माता यहाँ पर अभी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। देखिए, हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनाया है। कुमाऊँ में ज़्यादातर लोग ये बनाते हैं, और शायद बहुत सारी जगहों में नहीं भी बनाते होंगे। तो मुझे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि किधर किधर किन किन लोग के यहाँ माता बनाते हैं एक बार, ताकि मुझे भी पता चले। और बाकी ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी पूरी माता भी सजा के हमने पूरी तरह तैयार कर रखी है, ये देखिए। तो गाइस, शाम की पूजा के लिए हम दीपावली के लिए जो दीपावली का शाम की पूजा करते हैं, उसके लिए मैं अभी रेडी हो चुका हूँ पूरी तरह, और बाकी लोग भी सब रेडी हो रहे हैं अंदर। तो चारों पटाखे वगैरह सब फूटने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा अभी आपको अभी शायद ही ना हो रहा हो, लेकिन होने लग गया अब धीरे धीरे। तो वो भी दिखाऊँगा आपको। और अभी हम पहले पूजा करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा मतलब मैं बताते रहूँगा। यही होता है दीपावली में, ऐसी बहुत ज़्यादा शोर शराबा मस्ती। अभी नीरज भी आया था, तो ऐसी मस्ती होती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का, तो मैं कहीं कहीं पर जहाँ यहाँ पर टाइम मिल रहा है वहाँ पर मैं शूट कर ले रहा हूँ। पर किरण भी पूरी तरह रेडी हो चुकी है, आ चुकी है यहाँ पर देखना है। तो अभी बाकी लोग अंदर और टाइम रेडी हो रही है, बाकी कमलेश अपना फ़ोटो शूट करा रहा है यहाँ पर, और नीरज वहाँ पर फ़ोटो खींचा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कमलेश का फ़ोटो शूट चल रहा है। हमारे सामने, घर के सामने एक वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड है। यहाँ पर इन लोगों ने, जो लोग खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। मैंने कहा दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरे कैंडल ही कैंडल लगा रखे हैं।
करेंगे लक्ष्मी जी की आरती यहाँ पर मंदिर पर, और जो उनका भी सब धीरे धीरे सारे सामान करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताते रहूँगा, धीरे धीरे दिखाते रहूँगा, बने रहे हैं बस ब्लॉग में। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड करता हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 12 बज गए। हम ताऊजी लोग के यहाँ भी गए थे भगवानपुर, तो वहाँ मिले और बहुत सारा हमने इन्जॉय भी किया, जो मैं काफ़ी कुछ दिखा नहीं पाया, बहुत चीज़ें मिसिंग रहेगी। तो यह है, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। होप करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करता हूँ।